वो रेलवे स्टेशन पर अकेला बैठा फोन पर बिजी था कि उसके बगल में कोई सुंदर सी औरत आकर बैठ गई। औरत के चेहरे पर नजर पड़ी तो वो अचानक ठिठक गया। ये तो वही लगती थी जो उसकी जिंदगी थी। औरत ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो चेहरे पर से पसीना पोंछते हुए अपना टिकट देख रही थी। वो बोल पड़ा, दिव्या। अचानक उसका किसी ने नाम लिया तो उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उस शख्स पर टिका दी। आंखों ही आंखों से पूछा, कौन? वो बोला, अरे मैं राहुल हूँ, नहीं पहचाना क्या? हाँ पहचान लिया, मगर ये क्या बाबाओं जैसी दाढ़ी रख रखी है? वो बोला, हाँ मैं बहुत बदल गया हूँ, मगर तुम तो जरा भी नहीं बदली। इतने साल बाद देख रहा हूँ, अकेली यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? वो उदास हो गई, बोली, बच्चे हुए ही नहीं, पति से शादी के 5 साल बाद ही तलाक हो गया था, अकेली ही रहती हूँ। तुम सुनाओ अपनी, तुम्हारी बीवी कैसी है? बच्चे कितने हैं? कहाँ रहते हो? मेरी शादी के बाद तुमने गांव ही छोड़ दिया। वो बोला, तुम तो मिली नहीं इसलिए शादी नहीं की। माँ के साथ इसी शहर में रहता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। मैंने गांव छोड़ा नहीं था, तेरे भाइयों ने छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक उसकी ट्रेन आ गई, वो उठकर जाने लगी। राहुल ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, ये ट्रेन मिस कर दो ना, अगली ट्रेन से चले जाना। वो बिना पीछे मुड़े बोली, थक गई हूँ अकेले चलते चलते, हमेशा के लिए क्यों नहीं रोक लेते? फिर दोनों रोकर एक दूसरे के लिपट गए। दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।